जाने का मार्ग है। होंगे ये है मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अपने YouTube चैनल नीरज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों जैसा आप देख रहे होंगे इस ब्लॉग की शुरुआत नए जोश के साथ और नए सुबह के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जैसा आप देख रहे होंगे मैं निकल गया हूँ घर से और सामने है मेरी गाड़ी, वो थोड़ा सा स्टार्ट की है, थोड़ा गर्म हो रही है गाड़ी, तो हम निकल रहे हैं आज घर से। लेकिन किधर को जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है, तो ले चलता हूँ मैं आपको सीधे आगे की ओर, फिर दिखाऊंगा जहाँ हम जाएंगे वहाँ की भव्य लोकेशन दिखाऊंगा। बने रहे आप मेरे ब्लॉग के साथ। आपको दिख रहा होगा ये जोगावाड़ी जाने का मार्ग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जोगावाड़ी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये जोगावाड़ी तक रोड आई हुई है। ये जो हमारा बागेश्वर मुख्यालय है इससे लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर ये जोगावाड़ी, ये जो गुफा है वो है, और माँ काली का मंदिर जो कांडा पड़ाव काली का मंदिर है उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, पंचोड़ा के पास ये गुफा है, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी दूर है पैदल रास्ता, तो यहाँ की ओर जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, मैं दिखाऊंगा आगे का भव्य नज़ारा आपको। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हम पहुँच गए हैं जोगावाड़ी, अब यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा आगे की ओर। और साथ में हमारे यहाँ से मिले हैं अशोक कुमार गुप्ता जी, बॉम्बे से आए हुए हैं उत्तराखंड का ट्रैकिंग के लिए। 74 एज है सर की, अकेले कर रहे हैं और अकेले ट्रैकिंग कर रहे हैं। और साथ में हमारे माजिला जी हैं और साथ में मेरा छोटा भाई और मैं स्वयं हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पूरा रास्ता है जोगावाड़ी जाने का, लगभग जो बागेश्वर मुख्यालय है मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर ये जोगावाड़ी गुफा है, और इधर भी पहाड़ी उधर भी पहाड़ी, इन दोनों तीनों पहाड़ियों के बीच में ये त्रिवेणी जिसको बोलते हैं, तीनों पहाड़ियों के बीच में जोगावाड़ी गुफा का निर्माण हुआ है। और कम से कम इस गुफा का निर्माण करने में लगभग अर्जुन सिंह माजिला जी को 10 वर्ष लग गए। तो आइएगा यहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी गुफा है, भव्य एवं विशाल गुफा है और पूरी नेचुरल गुफा है, इसका लुत्फ जरूर उठाइए। ठीक यह दोस्तों जोगावाड़ी जाने वाला रास्ता, तो हम यहाँ चल रहे हैं और ऐसे भवन का निर्माण किया जाता है गांव में, इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे। और गांव में ऐसे नहाया जाता है, ये है घर में नल है, ये दाजू नहा रहे हैं। ठीक हेलीपैड बना हुआ है यहाँ माजिला जी, जैसे हमें बता रहे हैं इस साइड को हेलीपैड बना है। ऊपर से दिखता है गुरुजी, ऊपर से ना वाशिंग शॉप दिखता है इसमें। वो तो जरूरी है, बहुत जगह बन रहा है हिमाचल, देख रहे हो उसे खोदा था उसको, बहुत अब आगे बना दिया, बहुत खाली हुआ। हां देना भाई गवर्नमेंट की, ये अभी बनाया महाराज, अभी ये रास्ता बनाया है, ये है जोगावाड़ी जाने वाला रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता बनाया है अर्जुन माजिला जी के प्रयास से, अथक प्रयास से बहुत अच्छा मार्ग क्रिएट हुआ है। हेलीपैड भी तैयार है, पर अब देखते हैं हम कितना दूर और जाना है हमें। और बहुत ही अच्छा लोकेशन, ये पत्थर डाले हैं अभी, इनको रिपेयरिंग करना है, पूरा नहीं हो रहा है। मंगशीर का महीना रहता ना, हाँ बाग ऊपर बैठा वो पत्थर में, वहाँ पर अच्छा अभी मैं दिखाता हूँ, त्रिवेणी बनती है यहाँ से। जैसे हमें जानकारी दे रहे थे मंगसीर और पूस का महीना होता है, तब ये जो चट्टान दिख रहा है सामने, इस चट्टान पर बाघ बैठता है। पहली पहाड़ी यह है, दूसरी गुफा ये और तीसरी ये, तो इसमें तीन तीन पहाड़ियां है, फर्स्ट सेकंड इसमें भी बाघ की गुफा है, इसमें भी है, इसमें तीनों में, क्योंकि भगवान शिव रूप में सीधे इसका जो मान्यता है, आगे जहाँ बैजनाथ बागेश्वर
जोदोबाड़ी का गुफा, माँ भद्रकाली और गोपेश्वर सब एक ही लाइन में है, सब भगवान की है। आगे सीधे इसके जो नदी जा रही सीधे आगे जागेश्वर है। ठीक 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 सर, आप आ जाइए। अर्घ होता है ना, अर्घ का आकार का इसमें शिवालय बनेगा, इसमें जो मंदिर में मैंने ऊपर है वहाँ राजस्थान से आपका उदयपुर से माँ महाकाली और शिवलिंग का फोटो है जिसमें सर्फ वो होता है दोस्त, तो मूर्ति ऊपर है। हाँ, ये भी ये हो जाएगा तो उसमें स्थापित होंगे। तो दोस्तों नीचे दिखाई दे रहा है आपको, है जो मैं जोगावाड़ी गुफा कह रहा था, अर्घ के आकार की गुफा है। तो हम नीचे जाके देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बीच जंगलों के बीच उधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के बीचों बीच आप देख सकते हैं ये पूरा जंगल, इधर भी जंगल है उधर भी जंगल है। और थोड़ा सा जो आग लगी है, आग लगने की वजह जंगल जल गए हैं, धुँ धुँ कर बिल्कुल राख बन गए हैं जंगल, पता नहीं किसने आग लगा दी। ये देख सकते हैं जंगलों में आग लगा के इस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हम लगभग पहुंचने वाले हैं गुफा की ओर, नदी तट पर हम पहुंचने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर आर्य भगवान शिव का है जो मूर्ति मेरे को मुझे वहां पर बनाया, तो जान गुफा बनाई है यहां पर, जैसे मोदी जी ने केदारनाथ में बनाया हमने यहां पर बना दिया। बहुत भव्य एवं विशाल नज़ारा है, नीचे जाके देखेंगे। इस देख रहे होंगे सामने जो झंडे दिख रहे हैं उसी के पास से गुफा शुरू होती है, और थोड़ा सा अभी खड़िया वालों ने पानी ऊपर से खोल दिया, थोड़ा गंदा पानी आ रहा है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा पानी रहता है। चारों तरफ गुफा पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी के बीच में गुफा बनी हुई है। तो चलता हूँ मैं, ले चलता हूँ आपको सीधे आपको गुफा की ओर। यह है ध्यान गुफा, तो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक मूर्तियाँ मिली थी जो माजला जी बता रहे हैं, और यहीं पर स्थापित कर दिए हैं। माजला जी क्या क्या मिला था यहाँ पे? इसमें शिवलिंग या गरुड़ भगवान माँ शिव शक्ति का फोटो या गरुड़ भगवान सब ये इस नदी के अंदर मिले थे, देखिए यहाँ पर स्थापित कर दिए सब। ठीक ठीक ठीक, सब यहाँ डाल दिए। अब हमको नाकर था ना, हम नहीं आ सकते, पूजा नहीं कर सकते, अभी इसकी स्थापना होनी है, अभी ना अभी प्रतिष्ठा होगी इनकी सब। कार बना हुआ है पूरा प्राकृतिक है, ये किसी ने कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की है। अब हम जाएंगे आगे गुफा की ओर, साथ में हमारे अर्जुन माजला जी और 74 इयर्स के अशोक कुमार गुप्ता जी आए हैं बॉम्बे से घूमने के लिए, और साथ में मेरा छोटा भाई भी है। तो हम जा रहे हैं आगे गुफा के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ का रास्ता है, तो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल स्रोत का पानी, ये यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, यहीं से त्रिवेणी नदी बनती है। जो ये देखिए किस तरीके का नज़ारा है, वाह। बाघ रूपी भगवान शिव का पंजा है बाघ में, ये प्राकृतिक है, क्योंकि ये बागेश्वर की धरती में आता है। इधर से सीधे बैजनाथ बागेश्वर जोगाबाड़ी में हमारी गुफा अर्जुनेश्वर महादेव जी बोलते हैं हम इसको, आगे गोपेश्वर महादेव और भद्रकाली माता सब एक ही लाइन में। ठीक ठीक ठीक, ये सब शिव शक्ति की। हमको तो लगा जब बाघ रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव, कहीं उनका वास यहीं से बागेश्वर में चले गए, क्योंकि इसमें से आगे भगवान शिव है ऊपर मूर्ति, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर, ये पूरे हैं। ठीक ठीक ठीक, होंगे ये है बाघ का पंजा जैसा माजला जी ने बताया, बाकी जानकारी तो माजला जी ने दे दी है, लेकिन ये बाघ का पंजा है जो इससे गांव बनाया पत्थर पर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ध्यान गुफा के नाम से गुफा बनी है, तो यहाँ पर बैठ के लोग ध्यान कर सकते हैं, शिव शंकर भोले कैलाश पति का ध्यान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से अब आगे की ओर जाएंगे, सीधे इसके आगे गोपेश्वर महादेव
ये जो नदी जा रही है, बता रहे मांझला जी, ये सीधे जागेश्वर की ओर जा रही है नदी। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे की ओर, गोवा की ओर। तो बहुत बड़ी गुफा है ये, अंदर की अंदर जाएंगे हम। थोड़ा आप देख रहे होंगे पानी गंदा हो रहा है, ये खड़िया की वजह से हो रहा है, क्योंकि खड़िया के माइन चलती है ऊपर, तो उन्होंने अभी गंदगी जो गंदा पानी था यहाँ छोड़ दिया है, इसकी वजह से थोड़ा पानी का कलर चेंज हो गया। आने के लिए हमें अपने साधन भी चाहिए, मांझला जी ने टॉर्च भी पकड़ लिया साथ में, और साथ में हमारे सर तैयार हो रहे हैं, बिना उजाले के यहाँ जा नहीं सकते हो रही है अंदर जाने के लिए। देख रहे होंगे यहाँ अंदर बोले कैलाश पति है, शिवलिंग बने हैं यहाँ। जय हो। ये देख सकते हैं प्राकृतिक लिंग है, किसी ने यहाँ पर बनाया नहीं है, स्वनिर्मित है। ये देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त, वाह वाह। ये यहाँ पर भगवान शिव और शंकर का जो भगवान शिव जी खड़े हैं वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं सामने पत्थर है, जो पत्थर पर भगवान शिव खड़े हैं। बहुत ही ज़बरदस्त गुफा है, हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे हम। अब यहाँ से पूरा अंधेरा छाया है और थोड़ा सा पानी अभी गंदा हुआ है। बता रहे हैं कि विष्णु भगवान के भक्त हैं। अब अंदर जाएंगे जैसे हम, तो वहाँ हमें मगरमच्छ मिलेगा। अंदर की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पूरा अंधेरा हुआ है। क्या दोस्तों मगरमच्छ और शिवलिंग, मगरमच्छ के बच्चे हैं पूरे परिवार, मगरमच्छ और ये शिवलिंग बने हैं यहाँ। और ये हाथी के पैर में पूरा ब्रह्मांड है, हाथी के पास है पूरा ब्रह्मांड, हाथी के बीच में पूरे, ये आप जो देख रहे होंगे हाथी के पाँव में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ये हाथी का। अच्छा अभी देख रहे होंगे आप, गणेश भगवान है, गणेश भगवान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, गणेश भगवान को गणपति मान है, महाराष्ट्र में पूरा गणेश भगवान की पूजा होती है, ये गणेश भगवान है सबसे ऊपर, गणेश भगवान है। ये आप देख रहे होंगे जहाँ पर टॉर्च की छाया पड़ी है, ये भगवान शिव की पूरी कैलाश है, ये शिव है वो माँ शक्ति है, ये पूरा कैलाश भगवान शिव का। जब पिथौरागढ़ में पैदल भुवनेश्वर देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि धरती में भगवान शिव तीनों लोगों के स्वामी है, वो पूरा कहीं भी महाकाल का जो संसार टिका हुआ है वो महाकाल का नेम है, पूरा संसार उसी में जीती है ये। और ये ब्रह्मा जी जिसे ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल ये देखते हैं, ये ब्रह्म कमल है। और मैं दिखाता हूँ हिंदू धर्म के, जैसे आप वैष्णो देवी में माँ महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती है, यहाँ पर भगवान ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा दक्षिण दिशा, भारत में एक ऐसी जगह उज्जैन महाकालेश्वर जिसका वो दक्षिण में है, इसका पूरा दक्षिण है। और हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा अर्थ होंगे नदी, ये गुफा है, ये भगवान विष्णु का शंख है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश धारा बहती जो सदियों से, ये धारा सबसे बहती है, हजारों वर्ष से बहती है, ये कभी सूखता नहीं। अच्छा
ये भगवान को खुद ही जिला अभिषेक हो रहा है। हर दिन भगवान के पास पाना आप देख रहे पूरे हर भगवान के पास नियमों पर पूरा पानी अपने घाट पर देख रहे हैं। अरे भगवान का नहाने का जगह है उसके अंदर पूरी गुफाएं होता है। ये जब यहाँ पर अमले लोग आए थे उन्होंने भी बोला अगर भगवान की कृपा तो ये अंदर है भी कैद जो होते तो इसे बता रहा बहुत मोटे नहीं वाटर बहुत का कम लोग इसको देखे थे फिर कल के भले वाले थे दो दो सौ देख रहे हैं। ये शेषनाग है ये जो है ये शेषनाग है। हाँ हाँ भैया भैया ये शिवलिंग वो रक्षा करते हैं। ये आप जैसे फल लिंग आप ये शेषनागों के फल है और ये शिवलिंग है आप आ जाओ घबराने वाले। और ये है शिवलिंग ये शिवलिंग है तो आपको मैं भी दिखाई ये नहीं है और ये नाम है जो ऊपर दूध की जैसी उतर गया वो पानी से ऊपर उतर गया ना ऊपर तो जब बारिश होती है इसमें जिंदा ऊपर पानी चलता है जो भगवान के इसके ऊपर नहीं जाता और किसी से काम छोड़ के गंगा के बनते तो ऊपर थोड़ा लगाती है भगवान उसे देख सकते हैं। प्राकृतिक गुफा है नेचुरल गुफा जिसको बोल सकते हैं। और अब हुआ देखो भगवान का स्थान गुरु जी आप देखेंगे वो सब आदमी के स्वर देखे पूरा भगवान पूरा सब देख लोग भगवान शिव पूरे शक्ति के वो भगवान को कोई ध्यान नहीं देता है खुद देखा देखो बहुत किसी ने मूर्ति दोस्तों। ये हैं अर्जुन सिंह माजिला जी। मैं थोड़ा इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ इस गुफा के बारे में थोड़ा जानकारी लूँगा और इस गुफा का निर्माण किसने किया ये भी बताएंगे माजिला जी और इस गुफा का निर्माण करने में कितना समय लगा और क्या क्या आपको परेशानियाँ हुई उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे श्रीमान अर्जुन सिंह माजिला जी। जी गुरु जी सबसे पहले मेरे को यह भगवान शिव की गुफा में आपके स्वागत आमंत्रित आप प्रणाम। जो ये गुफा है मेरे द्वारा 2011 को शिव खोज की गई थी। जी सर इसके बाद अभी से 2011 से 2023 तक इसमें तीन जिलाधिकारी महोदय आ चुके हैं। इसे फर्स्ट 7 मई 2011 को आए थे श्री कुंदन सिंह नफरतियाल फर्स्ट जिलाधिकारी इसमें आए थे। उसके बाद 3 मई 2017 को दूसरे जिलाधिकारी थे श्री मंगेश कैयाल जी उसी प्रधानमंत्री जी फर्स्ट माननीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में आए थे 3 मई 2017 को फर्स्ट जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उसी दिन श्री मंगेश घड़ियाल जी जोगाबाड़ी की गुफा में इस गुफा में आए थे। उसके बाद ठीक 16 मार्च 2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी श्री विनीत कुमार जी भी इसका गुफा का दौरा करते थे और जो ऊपर माँ शक्तिपीठ महाकाली का मंदिर आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जो कर्मभूमि है अभी आपने बोला उसमें से 6 नियम आते थे उसमें से आए सबसे पहले नियम भंडाई दूसरे शैलेश भगवानी चंद्र सिंह नमरजान रंजना राजगुरु विनीत कुमार और अनुराधा और जो अभी वर्तमान में जिला को उन्होंने कालका मंदिर की वहाँ की है। तो ये जो है भगवती के एक ठीक 1000 वर्ष से पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के हमारे बड़े शक्तिपीठ थे शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के संस्थापक थे 1000 वर्ष से पहले उन्होंने कालका माता की स्थापना काटा में की थी। भगवान शिव की ऐसी क्या महिमा थी कि 1000 वर्ष बाद ही मुझे जोगाबाड़ी गुफा का दर्शन है भगवान शिव की उसी दर्शन में मुझे ये मौका मिला और मुझे सपना हुआ मैं जाता था महाकाली जी से पूछा मैं 23 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे द्वारा आदम खोर बाट के जो शॉर्ट पकड़े गए थे जो जिम कॉर्बेट में 1 सन 2000 को और माननीय प्रधानमंत्री जी भी 14 फरवरी 2020 को जिम कॉर्बेट वाला आ चुके हैं तो मैन दर्शन पॉइंट जो उसकी फिल्म बनी है उसका नरेंद्र मोदी जी भी करते धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जानकारी मिली आपको देख रहे होंगे यहाँ पूरे पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग है पूरा प्रभु माया है यहाँ भगवान शिव का जो ओरिजिनल केप बोलते तो अंग्रेजों ने इसको वही दिया था होली केप और नॉर्थ शिवा का नाम उन्होंने इसको दिया गया था और ये वाटरफॉल को दिया था उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट फेमस वाटरफॉल का कमरा उन्होंने इसको दिया
पूरा प्राकृतिक मंदिर है, कोई इसमें बनावट नहीं की गई है, प्रकृति द्वारा पहले से बने हुए हैं। और माजिला जी का बड़ा सहयोग रहा है इस गुफा को, गुफा के मार्गदर्शन कराने में, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं थी इस गुफा की। दोस्तों अभी देख रहे हैं गुफा दिख रही है, यह है दुर्गावाड़ी गुफा, और इस गुफा में हमें मार्गदर्शन कराने का मेन श्रेय है अर्जुन सिंह माजिला जी का। मुझे भी जानकारी नहीं थी यहाँ की, लेकिन माजिला जी के सानिध्य में हमें यहाँ की जानकारी मिली और माजिला जी ने हमें यहाँ के दर्शन भी करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद माजिला जी आपका हमें यहाँ दर्शन कराने के लिए। माजिला जी बहुत आम लोग आए, आम हमारे इलाके का पर्यटन से खुद इसमें सैतालीस करोड़ इकतालीस लाख का बजट पास हुआ है गवर्नमेंट के, इसलिए आप प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का इतना धन्यवाद हो गए दिन आए आप लोगों का सर। देश ने ऐसी जगह दी है कि आप ये तो कौन जानता था, तो भगवान की कृपा पूरे दुनिया यहाँ आ रही है। बरसात के टाइम पे इस वाले पत्थर पर टकराता है जो सामने पत्थर दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है और ये पत्थर पर पानी टकराता है और माजिला जी बता रहे हैं हम पानी गए हैं पानी, और माजिला जी बता रहे हैं कि जब बारिश आती है तो यहाँ तक पानी पूरा बता रहा है। दोस्तों भगवान सिंह की जटाएं पूरा आंख देखिए नाम आपको पूरा आंख नाक नहीं पूरा आंख ना अरे इंसान का जो कोई आंख ना कहीं नहीं पूछा है कोई नहीं खा हो जाए ना मुझे लगा कहीं क्या रहता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा इस वीडियो के माध्यम से जोगावाड़ी गुफा के भव्य दर्शन किए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से एक नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।